तो कोई सरकारी डेलीगेशन नहीं है जी सर, हम यहाँ आए हैं सबके राय सुनने के लिए जी सर। और एम बंदे साहब हमारे राउंड टेबल में शामिल हुए और उससे हमें कुछ उत्साह मिली कि हम बाज़ लोगों से मिल सकते हैं, बाज़ लीडरान से मिल सकते हैं। और आज हमारी मीटिंग यहाँ हुई है, हमने निर्भय साहब की बात सुनी है और हमें उनकी बात सुनने की ज़रूरत थी तो सुन चुके हैं और हम आगे बहुत और लोगों से मिलने जा रहे हैं और उसके बाद तय करेंगे कि हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक अस्त्र है, कलम, तो हम दिल्ली जाएंगे फिर लिखेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा ये मानना रहा है कि जहाँ तक कश्मीर की बात है और कश्मीर की हकीकत और कश्मीर की रियलिटी ये है कि यहाँ कुछ जो हो रहा है, जो जुल्म, ज़्यादती, मारधाड़, यहाँ की सिचुएशन हमने इनके सामने रखी, यहाँ पे जो इस वक्त खासकर नौजवानों के साथ हो रहा है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हो रहा है, जो यहाँ पे एक मिलिट्री अप्रोच अडॉप्ट किया जा रहा है इस मसले को हल करने के हवाले से, उस हवाले से हमने उनको बताया कि बार बार जो कदगने, बैंस और बंदिशें हम पे लगाई जाती हैं, कर्फ्यू लगाया जाता है, उस रेस के लीडरशिप को बात करने नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि नमाज पर पाबंदी है, जल से जुलूसों पर पाबंदी है, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को अमलन एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे लोगों के तमाम हकूक जो हैं वो ताकत के बल पे सल्ब कर लिए गए हैं और हम इनसे तवक्का रखते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, और हम इनसे ये कहा कि भाई कम से कम यहाँ के जो हालात हैं वो आप हिंदुस्तान के अवाम तक पहुँचाएँ, हिंदुस्तान के लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस तरह से मीडिया के ज़रिए कुछ चैनल्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो गलत तस्वीर कश्मीर की पेश कर रहे हैं, जो गलत पैराए में कश्मीर के मसले को पेश कर रहे हैं, उससे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। कश्मीर का मसला यहाँ के अवाम के जज्बात, एहसास, उमंगों का मसला है।